साधना, तू तो जानती है ना, पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उससे रागिनी को कितनी ठेस पहुंची थी। अब ये रिश्ता आया है, लड़का और खानदान दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जी मामी जी। तुम दोनों में इतना प्यार जो है, रागिनी किसी और की सुने ना सुने लेकिन वो तेरी हर बात मानती है। मैं चाहती हूँ कि रागिनी जब लड़के वालों के सामने आए तो बहुत सुंदर दिखे। मैं भी यही चाहती हूँ मामी जी, इसीलिए तो मैं उन्हें तैयार करने गई थी। वो सब माँ देख लेंगी, इस परिवार के हर सदस्य के जिम्मे अलग अलग काम है। अब वीनू की बहू को देखो, किसी काम से बाहर जा रही थी लेकिन वो भी रसोई में लग गई। तो मेरे जिम्मे क्या है मामी जी, बताइए ना। बैठक सजा दूं? नहीं, उसके लिए नौकर है। तेरा काम इतना अहम है, उसे तू ही कर सकती है। जी जी, कोई हिम्मत दिलाने का ना मामी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरे वक्त उनके साथ रहूंगी। बस यही एक चीज नहीं करनी है तुझे, यही तेरा जिम्मा है। मामी जी मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम दोनों साथ होती हो तो रागिनी तेरी छाया बनकर रह जाती है। तेरे रहते रागिनी को शायद ही कोई पसंद करे। एक एहसान करेगी मुझ पर। तुमके सामने बता, तुमके सामने बता, तुमके सामने बता। बहुत बुरा लगा है ना, पर सोच क्या ये सच नहीं है? यही सब तो हुआ था ना पिछली बार। रागिनी तेरी बहन है, तुझे बहुत प्यार करती है, वो खुद सब दर्द सह लेगी लेकिन तुझे कभी कोई दोष नहीं देगी। पर जो सामने है उसे देखकर अनदेखा तो नहीं कर सकते ना हम। तेरे मामा और मैं चाहते हैं कि ये शादी हो जाए। अगर लड़के वाले हाँ कर दे तो मैं तो रोके की रस्म आज ही कर दूं। तू अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और कुछ ज्यादा तो तुझसे नहीं मांग रही ना मैं। बस जब तक वो लोग यहां पर हैं तू कमरे से बाहर मत निकलना, नहीं तो मेरी बेटी की बनती हुई किस्मत एक बार फिर से बिगड़ जाएगी। कानपुर वाली नन्ना जी का एड्रेस है तेरे पास? और वो तेरे पापा के दूर के भाई जो मथुरा में रहते, उनका नाम क्या है? रिश्तेदारों की लिस्ट तो लगभग पूरी हो ही गई है, बस अभी। मॉम, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही है? आई मीन, लड़की मुझे तो कोई खास नहीं लगी, रंग भी काला है, जमेगी नहीं। तो जमाली बेटा, एक बात अपने दिमाग में फिट कर ले, यही काला रंग है जो तेरी किस्मत को चमका देगा। अरे यही तो लड़की वालों की दुखती रग है जो हमारी पकड़ में आई है, मांग लो जितना मांगना है। वैसे भी लड़की काली हो या गोरी क्या फर्क पड़ता है, ये देखना जरूरी है कि वो सोना कितना लाती है, समझे? ठीक है मॉम, लेकिन मैं स्कूटर नहीं,
मोटरसाइकिल लूंगा। और कैश मत भूलना। ये बातें और मैं भूलूंगी? इतनी बेवकूफ मत समझना मुझे। तू देखना, तेरी शादी में इतना सामान आएगा कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। अरे बिरादरी में नाक ऊंची उठेगी हमारी। 6 बजे पहुंचना है वहां, तैयार रहना। नानी माँ, साधना कहाँ है? प्लीज उसे बुलाइए ना, मैं चाहती हूँ तैयार होने में वो मेरी मदद करे। अभी बुलाऊंगी साधना को, इसे भी कस दूंगी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। माँ, साधना कहाँ है? प्लीज उसे बुलाइए ना। साधना रसोई में मालती की मदद कर रही है। तेरे बाऊजी ने ना उसे हलवा बनाने को कहा है। कहते हैं उससे अच्छा हलवा तो इस घर में कोई बना ही नहीं सकता। अभी वो काम खत्म कर लेगी तो आ जाएगी, तब तक तो तैयार हो जा। देख बिटिया, बस इसे थोड़ा सा और तेरे गालों में यहाँ लगाओ। नहीं नानी माँ, इससे ज्यादा मत लगाइए प्लीज। अरे ये जरूरी होता है, वो फिल्मों में नहीं देखती वो अपनी वो प्रीति जिंटा और कोशी, वो कौन है, वो अपने राज कपूर की पोती अब करीना। हाँ उसे देखा है, कितना मेकअप लगाती है, ऐसी दूध जैसी चमकती है। तुझे तो मैं उससे भी ज्यादा दमका दूंगी मेरी बिटिया। है देख, थोड़ा सा लगाने दे। माँ साधना अभी तक नहीं आई, प्लीज उसे बुलाइए ना। आप समझ नहीं रहे हो माँ, उससे अच्छा मुझे और कोई तैयार नहीं कर सकता, प्लीज। जल्दी करना, जरा जरा से काम में कितना वक्त लगाती है तू। एक तो पहले से कितनी देर हो चुकी है। बहू जी 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, जितनी तेज तेरी जुबान चलती है ना उतना तेज अगर तेरा हाथ चले ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हे भगवान, मेरे लिए तो एक एक मिनट 50 घंटों जैसा हो गया है। अगर यहाँ से निकल नहीं पाई तो इस सुखचंद की धमकी ने तो जान चुरा दी है मेरी। क्या बहाना करूं घर से निकलने का, इन लड़के वालों को भी आज ही आना। जा जरा माजी को जाके पूछ उनको कुछ चाहिए क्या, मैं ये सब संभालती हूँ।
यही एक मौका है मालती, एक छोटा सा घाव और तुझे बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ खड़े खड़े खून जलाने से अच्छा है थोड़ा सा खून बाहर दे मालती, थोड़ा सा। उनके सामने बता और कुछ ज्यादा तुमसे नहीं मांग रही ना मैं। पहली बार मामी जी ने कुछ मांगा है मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। मेरी वजह से चीची को कोई दुख पहुंचे ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। क्या बात है बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कर बेटा, वो लोग बस आते ही होंगे। रागिनी को तो तू जानती है, जरा जरा सी बात पे वो घबरा जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर वक्त उसके साथ रहे। और वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? रागिनी को तैयार नहीं कर रहा? अच्छा सुन, रागिनी को ना तो अपने साथ में लेकर आना। चल अब जल्दी से कपड़े बदल ले। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा मालती। चल चल शुरू हो जाओ। मालती क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी उंगली कट गई मालती। भगवान कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, इंजेक्शन लगवाना होगा वरना वरना जहर फैल जाएगा। मालती मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, और वैसे भी रसोई का तो सारा काम हो गया। ठीक है वो मैं संभालूंगी, आप जाइए। अजी मैं होके आती हूँ, मैं जाऊँगा जी। हाँ ठीक है जा जल्दी। लूंगी। अरे साधना देखो ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ काम पे लगी हो, देखो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रही ना तो मैं उनके सामने जाऊंगी नहीं। साधना मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। वैसे एक बात बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? नानी माँ ने ज्यादा मेकअप तो नहीं किया ना? तुम इतनी देर से यहाँ पे हो, तुमने कपड़े भी नहीं बदले, प्लीज जल्दी करो ना साधना। बहुत सुंदर लग रही हो जीजी, कहीं नजर ना लगे मेरी प्यारी जीजी को। रागिनी बेटा तू बूंदे तो पहने नहीं, चल चल के अपने बूंदे पहन। नानी माँ वो साधना पसंद करेगी। अरे पगली, वो साधना ही तो पसंद करके रख के आई है। और साधना बेटा तू जाके तैयार हो। अरे चलो अब नानी माँ चलिए ना, लड़के वाले आ गए। आते हैं बेटा। अरे रागिनी जल्दी कर वरना दामाद जी नाराज हो जाएंगे। साधना आ जाएगी बेटा। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा जल्दी कर चलना।
ये हैं रमाकांत त्रिवेदी जी। नमस्कार। ये हैं इनकी धर्मपत्नी सुलक्षणा जी। नमस्ते। और ये हैं इनके सुपुत्र पुनीत। तो मैं जजमान का परिचय करवा देता हूं। ये है श्री प्रकाश चंद शर्मा जी, आगरा के नामी लेखक हैं और देवता स्वरूप इंसान है। और ये है इनकी धर्मपत्नी यानी कि हमारी कौशल्या भाभी जी। और ये है कौशल्या भाभी की माता जी सुमित्रा देवी जी। और ये है इनके सुपुत्र विनित। चलो आखिर में दोनों परिवारों का मिलने का शुभ मुहूर्त आ ही गया। हमारा पुनीत इंजीनियर है, सरकारी नौकरी है। बहुत ही अच्छा है जी, बेटा हो नार हो तो नौकरी तो अच्छी लगी जाती है। जजमान जरा मुंह मीठा हो जाए खाने के साथ। जी बिल्कुल। जलपान तो होता रहेगा, पहले लड़की को तो बुला लीजिए। जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। जी ये हमारी बेटी रागिनी है, अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से जानती है। प्रकाश चंद जी, किताबें तो आपने बहुत सारी लिखी होंगी, लेकिन इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं? अरे यही काम कोई कम है क्या? सुना है लेखकों को बड़ा अच्छा मुआवजा मिलता है आजकल। आपकी कमाई भी ऊंची होगी ना भाई साहब? जी बस गुजर हो जाती है। घर तो काफी बड़ा है आपका, लेकिन कार कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं भेजती है क्या ड्राइवर के साथ? ऐसा जी कार हमारे पास है नहीं, तो ड्राइवर का सवाल ही नहीं होता। दरअसल मैं इन अमीरी चोचलों में विश्वास नहीं रखता जी। समाज में सम्मान मिले, परिवार में प्यार मिले, इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए। देखिए जी अब बहुत बड़ा कुनबा है हमारा, दर्जनों रिश्तेदार हैं, सैकड़ों की जान पहचान है, बारात में करीब करीब 600 लोग आएंगे। क्यों अब निभा पाएंगे ना आप लोग?
विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।